home. Okay, student, today we will going to solve chapter 5. Does it look the same? Okay, as of chapter 5, does it look the same? Solve karenge, okay? ओके लेट्स मेक पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर. ओके सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि पैटर्न क्या होता है. ओके लेट्स सी. जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप बना दी. ओके जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे शेप बना दी, कोई भी शेप जो हो वो ये क्या है, पैटर्न है ना. शेप, ये जो शेप बनी हुई है ये पैटर्न है. जैसे ये शेप बना दी मैंने, ऐसे शेप बना दी, ऐसे शेप बना दी, ये सब क्या है, पैटर्न है. ऐसे पैटर्न आपको कहीं भी दिखेंगे. जैसे आप घर के कर्टन देखोगे, ओके क्लोथ्स देखोगे या बेडशीट देखोगे, इस टाइप के पैटर्न्स बने रहते हैं. ओके तो ये सब क्या है, पैटर्न्स. ओके इन्हें क्या बोलते हैं हम, पैटर्न्स. अब आप अपनी बुक में देखोगे ये लड़की क्या कन्वर्सेशन क्या कह रही है. आई हैव मेड दीज पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर, यू कैन मेक दैम टू. उसने बोला मैंने पैटर्न ए एंड पैटर्न बी बनाया है. किससे बनाया है, आई हैव मेड दीज पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर, यू कैन मेक दैम टू. आप लोग भी बनाइए. चलिए देखते हैं हमें ये पैटर्न बनाने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे. लेट्स सी. मेक योर पैटर्न. पैटर्न बनाने के लिए हमें क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ पेपर. ओके हमने टेक अ शीट ऑफ पेपर ले लिया. ठीक देन आप लोग भी ले लीजिए. नेक्स्ट है फोल्ड इट इनटू हाफ. ठीक है इसको हमें हाफ में फोल्ड करना है. ओके इसको हमने हाफ में फोल्ड कर लिया इस पेपर को. देन क्या है, ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडल लाइन. ओके देन क्या बोला है, ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडल लाइन. ठीक है हमने इसको ओपन किया, ये मिडल लाइन बन गई, इस पर हमको इंक का एक ड्रॉप डालना है. ओके लेट्स सी. इस पर हम इंक का एक ड्रॉप डालेंगे. ऑल ऑफ यू आप लोग भी ये करोगे. ठीक है देखेंगे कौन सा पैटर्न बनता है. सो हमने इस पर एक इंक का एक ड्रॉप डाल दिया. ओके देन क्या बोला है उन्होंने, फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर. इसको फोल्ड करना है, ऐसे हमको इसको प्रेस करना है. ठीक ओके नेक्स्ट क्या है, ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न. अब इसको ओपन करके देखिए कौन सा पैटर्न बना है. ओके वाओ, अगर आप में भी ये पैटर्न अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बना है. देखोगे आप, यस इस तरह का एक पैटर्न बन गया. अब ये पैटर्न है. ओके नेक्स्ट है, कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ. तो मिरर हाफ क्या होता है, इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू इट. सबसे पहले मैं मिरर हाफ क्या होता है वो बता दूं आपको. फॉर एग्जाम्पल ये एक शेप मैंने बनाई. ठीक है इसको मैंने हाफ कर दिया. ओके देन एक शेप हमको ऐसे मिल गई और एक शेप ऐसे मिल गई. ये दोनों सेम दिख रही है ना इसी शेप की. सो दीज पीसेस सेम रहते हैं जो, तो वो मिरर हाफ कहलाता है. ठीक है जो एक दूसरे को ओवरलैप करे. ओके जो एक दूसरे को ओवरलैप करे वो मिरर हाफ कहलाता है, जो ये सेम है. ओके दिस इज मिरर हाफ. नेक्स्ट यही है, कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच एज वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ. अगर आप इस पैटर्न को कट करोगे, ऐसे बीच में से कट करोगे तो ये सेम पैटर्न है, एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा तो वो सेम पैटर्न है, तो वो मिरर हाफ कहलाएगा. ओके नेक्स्ट, लुक एट दिस पैटर्न. अब इन दोनों पैटर्न्स को देखोगे. ठीक है ये पैटर्न देखोगे. ओके ये द डॉटेड लाइन डिवाइड द शेप इन टू हाफ. ठीक है ये डॉट, ये जो शेप है इसको डिवाइड किया गया है टू हाफ में. ओके डॉटेड लाइन देखोगे, बट इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन. पर अगर आप इनको फोल्ड करोगे डॉटेड लाइन को, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर. ओके द राइट हाफ कंप्लीटली, सो द टू हाफ आर नॉट मिरर हाफ. ठीक है अगर हम इसको, ये पैटर्न जो बना हुआ है इसको अगर हम फोल्ड करेंगे ऐसे,
तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, इसका ये शेप इस साइड निकला हुआ है, ये शेप इस साइड निकला हुआ है, ठीक है, और ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, ओके तो देन ये मिरर हाफ नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा हैंड है, इसके ऊपर मैंने ये हैंड कर दिए, ये दोनों सेम है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, अगर ऐसे करूंगी तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ओके तो ये मिरर हाफ नहीं है, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट इज यस, नाउ लुक एट अनदर शेप, अब अनदर शेप देख लें, इफ यू फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन, ये शेप है, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे डॉटेड लाइन में, वन हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कंप्लीटली, सो द टू हेयर आर मिरर हाफ, तो ये मिरर हाफ कहलाएंगे। जैसे देखोगे यहाँ पे ये शेप बनी है, एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, बीच में डॉटेड लाइन है, अगर हम इसको ऐसे हाफ करेंगे जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है ना, सो ये क्या है, मिरर हाफ, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये शेप है, यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल, और बीच में यहाँ पे डॉटेड लाइन है, अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और ये कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, ओके तो ये क्या बन जाएगा, मिरर हाफ। नेक्स्ट है, नाउ इमेजिन द सेम फॉर दीज पिक्चर, आपको भी ऐसे इमेजिन करना है कि ये ओवरलैप कर रही है, ये मिरर हाफ है या नहीं है, दिस इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ, ओके यस, नाउ टाइम टू से बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।